हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है शुभम। मेरा नाम है पलक। और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई देखिए, हम ये मानते हैं कि जब आप अपने जो बेड टाइम होता है, जब आप लाइट बंद कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है भाई क्या होता है, सोते हैं और क्या करते हैं? नहीं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट बंद करने के बाद में, जैसे हॉरर स्टोरीज हो जाती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो जाती है, भूत पिशाच वाली जो हरकत है वो हो जाती है। तो वैसा ही कुछ आज एक वीडियो होने वाला है, इस्लामिक टीचर यूट्यूब चैनल का ये वीडियो होने वाला है। ये है इस्लामिक What happens when you turn off the lights at bedtime? भाई हम तो बहुत ज़्यादा excited हैं वीडियो देखने के बाद। Excited भी और देखते हैं क्या है ये वीडियो। है ना जी? चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। इनका जो मेन वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि अक्सर लोग इस बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या लगाकर। कुछ लोग लाइट जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि बाज लोग बिल्कुल अंधेरे में सोने के आदी होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सोने से पहले लाइट न बंद करने से क्या होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर्वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने हमें ये बताना है कि आप लाइट बंद करके सोते हैं या फिर लाइट जलाकर। इस सवाल का जवाब आपने हमें अभी कमेंट्स में बताना है। हम आपको लाइट न बंद करने के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको अहदीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बताते हैं। अच्छा। बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वुजू कर लो, जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। मकसूद ये है कि सोते वक्त बावजू रहना सुन्नत है। अच्छा। और बावजू सोने के फवायद के बारे में ये भी बयान किया गया है कि बावजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खिलवाड़ से महफूज रहता है। अगर उस रात उसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी, और अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। बहवाला शरह मुस्लिम नबी। इस तरह से रिवायत में यह भी आया है कि सोने से कबल बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए। जैसा कि इरशाद है, जब अपने बिस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो 2 बार इसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं किसके जाने के बाद वहां क्या कुछ आया है। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं कि रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से। तो इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चराग बुझा दें। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। बरिवायत बुखारी शरीफ। दोस्तों, आपने मुलाहजा फरमाया कि अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रात को चराग यानी लाइट और आग को बुझाने की ताकीद है, और इन्हीं रवायात की रोशनी में ये कहा जाता है कि अगर आग या चराग जलाए रखने की जरूरत हो, इससे महफूज रहने के असबाब लाजमी इख्तियार कर ली जाए, ताकि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है अगर वो खत्म हो जाए, यानी एहतियात को मलूज खातिर रखना जरूरी है, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इसी हवाले से इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दे या फिर ऐसे तरीके अपनाए कि वो भड़क ना सके।
भावाला फतहुल बारी। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो इससे अगरचे आग भड़कने का खदशा नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चराग का अलग से जिक्र इसलिए किया गया है कि उस जमाने में चराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। याद रहे कि रात जिसको अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया है, रोशनी होने के सबब इसमें इंसान पुरसुकून नींद नहीं कर सकता, इसीलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोए ताकि पुरसुकून नींद सोया जा सके। हदीस में जो चराग का जिक्र है उसको मौजूदा दौर की लाइट के मुतबादिल ही समझा जाएगा। जहां तक बात है लाइट न बंद करने के साइंसी नुकसान की, तो एक साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते तो उनका वजन बढ़ने और उनमें कैंसर जैसे मर्ज पैदा होने का एहतमाल। इसीलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट को सुन्नत समझकर लाजमी बंद कर लिया जाए। और याद रहे कि सुन्नत पर अमल से न सिर्फ सवाब मिलेगा बल्कि हर हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें हैं। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर आगे लाजमी शेयर करना है, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना सबका है। दोस्तों याद रहे कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत ऐसी है कि जिस सुन्नत में सैकड़ों हिकमतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा, और हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक गुजार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखे और अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारे। हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारे। इसीलिए चाहिए कि जो सोने के आदाब और सुन्नतें हमने बयान की है उन पर अमल किया जाए। और इसके अलावा भी सोने के बहुत से आदाब हैं, उन आदाब को भी सीख कर इन पर अमल करने की नीयत की जाए। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि रात को सोने और लेटने का सुन्नत तरीका मालूम करे और इसके मुताबिक सोया करे। याद रहे कि मुसलमान का हर वो काम जिसे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात के मुताबिक किया जाए वो उसके लिए इबादत बन जाता है। जैसा कि रिवायत में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरतबा किसी यहूदी ने सवाल किया कि आप लोग दिन में कितनी देर इबादत करते हो, तो उसके जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम 24 घंटे इबादत करते हैं। तो उस जवाब पर उस यहूदी ने कहका लगाया और तंजन कहने लगा कि आप लोग खाते पीते नहीं है, रात को सोते नहीं है और दुनिया के काम काज नहीं करते। तो उसके सवालात का हजरत अली ने बड़े तहमुल से जवाब अर्ज किया कि हम लोग खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, दुनिया के काम काज भी करते हैं, लेकिन ये सब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया करते हैं। इसी तरह ये सब काम हमारे लिए इबादत ही शुमार होते हैं। इस पर यहूदी लाजवाब हो गया। दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि हमें भी चाहिए कि हर काम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। उम्मीद है कि जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो मस्कूरा सुन्नतों का ख्याल करेंगे। आखिर में आपको सोने का सुन्नत तरीका बताते हैं। याद रहे कि सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका यह है कि दाएं करवट पर दाएं हाथ रुखसार के नीचे रखकर क़िबले की तरफ मुंह करके सोए। अगर मुकम्मल वक्त उसी कैफियत में सोना मुश्किल हो तो कम से कम सोने के लिए लेटते वक्त इस हैयत पर लेट जाए। बसूरत दीगर सीधा लेटने में भी कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता पेट के बल उल्टा लेटकर सोना नापसंदीदा और ममनू है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल उल्टा लेटे देखा तो फरमाया, ऐसे यानी पेट के बल उल्टा लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए चाहिए कि सोने के लिए लेटें तो सुन्नत तरीके के मुताबिक लेटें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। दाएं कौन सा होता है, राइट या लेफ्ट? दाया शायद राइट, बाकी देखिए मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जो हमें बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, नेगेटिव चीजें होती हैं जो कि आप अगर लाइट बंद कर देते हैं उसके बाद में आती है। और बहुत सारी चीजें बताइए कि सोने से पहले वो अल्लाह का नाम लेके पहले झड़कारें उसके बाद उस पर सोए, तो वो इसलिए भी हो सकता है। देखिए अगर आप एक हिंदू हैं और आप कोई गॉड को मानते हैं तो सोने से पहले भगवान को याद करके सोए, उससे पॉजिटिव पूरा जो नेचर एटमोसफेयर होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आपको
मिला है हमारे द्वारा तो नहीं मिला है, ये तो इस्लामिक टीचर यूट्यूब चैनल है इनके द्वारा हमने मिला तो बस है। एक वीडियो को रिएक्ट करा है। चलिए जी जब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगता है। जल्दी मिलेंगे जी, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।